तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं टिकटॉक की एक ऐसी सेटिंग के बारे में जिस सेटिंग को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो फ्रेंड्स इससे आपका डाटा टिकटॉक पर बेहद कम खर्च होगा। फ्रेंड्स, अक्सर आपने यह नोट किया होगा कि फ्रेंड्स आप जब 1-1.5 घंटे टिकटॉक पर लगातार वीडियो देखते रहते हैं तो फ्रेंड्स आपका डाटा बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार इतना जल्दी डाटा क्यों खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगा आपको एक ऐसी के बारे में जिसको आप इनेबल कर देंगे तो फ्रेंड्स आपका डाटा बेहद कम खर्च होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चले जाना है अपने टिकटॉक एप्लीकेशन में। फ्रेंड्स, टिकटॉक में जाने के बाद आपको नीचे साइड कोने में ऑप्शन मिल जाएगा मी का। फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है ऊपर साइड कोने में इस 3 डॉट के आइकन पर, आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है। फ्रेंड्स, नीचे आने पर आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा डाटा सेवर का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहां से आपको इसके सेटिंग को यहां से इनेबल कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपके फ़ोन में टिकटॉक वीडियो का रेजुलेशन कम हो जाएगा जिससे कि आपके डाटा का बहुत ही बचत होगा और इस तरीके से आप लंबे समय तक टिकटॉक पर वीडियो देख सकते हैं और अपने डाटा को यहां से सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।